संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव-गांव में प्रत्येक परिवार के यहां शौचालय बनना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जिला जौनपुर के रामनगर ब्लॉक के जमालापुर गांव में एक भी शौचालय न बनने के कारण निर्मला सहित 100 परिवारों को शौच की काफ़ी समस्या हो रही है। समस्या यही बात है कि यह हरजन बस्ती 100 घर हम सभी बाही और इतने 100 घर में किहू के संदास न शौचालय किहू को नहीं हुआ और सबके दिक्कत बस शौचालय के बारे में। यह जो मटे अगले बगले ठकुरों बाबू ने खेत की यारी बा है, लड़का बच्चा जात हैं, छोटे छोटे बहन छः छः साल की लड़कियाँ बहन तो जात हैं, संडास पेशाब करते हैं, ताई लड़के मतलब हाथ है उठा खड़ा करे जितने हमारे खेत मत सब संडास करे, झगड़ा हो रहा हो जाता टे और जो बाटे औरत बहन महिला लोग बहन बाहर जात हैं संडास पेशाब करे भाई के आवत हैं के जाओ के जाते हैं तब उठे बैठे को नहीं पड़ जाए तो दिक्कत होता टे। बुढ़ापा बहन तो निके जो बाटे कि चड्ढी में टट्टी पेशाब हो जाए तो बाहर नहीं पहुँच पा बुढ़ापा के नाते भाई वृद्धा हैं जा नहीं पावत हैं तो उन्हें दिक्कत बाटे। अब कितना दिन उसे प्रधान के लगे गए लेकिन प्रधान सुने कहीं जब आए तो बनवाए दे लेकिन प्रधान के लगे तब कोनो सूचना नहीं आई कि हाँ प्रधान लगे आए या ना आए यहाँ कोनो सुनवाई नहीं हुई। और इतना परेशानी है कि सड़के को हमार घर बा हमार पेट पी जात रहा हम गए हमें धक्का लग गया 2 महीना भोगे पूरे गाँव में फजी हती एक बार यही गाँव फजी हती जब शौचालय बने के चाहिए हरजन बस्ती के कतौ सुनाई नहीं बा सरकार कैसन सरकार माहन की नहीं सुनाई होता ठकुरे बहने बड़वारन में कहीं सुनाई नहीं गरीबन के। शौचालय बनवाने के लिए कोई कभी प्रयास किया गया? हाँ बहुत कही गया प्रधान की यहाँ सेक्रेटरी की यहाँ बहुत धौड़ल धूपत गए खाली हरजन के नाते कतौ सुनाई नहीं। शौचालय बन जाएगा तो क्या फायदा होगा? फायदा हो गया अपने बहन बिटिया बाहिन अपने घरे बैठ ले जब चाहे तब। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के प्रत्येक परिवार के यहाँ शौचालय बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि रामनगर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94546-5277 है इस पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं बबीता जौनपुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड्स के लिए।